और सूरज का सवाल हम YouTube से लेंगे। वोडा आइडिया पर इनको दरअसल सलाह चाहिए। संतोष, FPO में इनको शेयर मिला, होल्ड करना चाहिए या नहीं, ये इनका सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि लंबी अवधि का अगर निवेश है और आपके पास रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी पैसे ये FPO के जरिए उठाए हैं, अगर आप RHP देखेंगे तो उसमें वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेंगे और कुछ बकाया रकम जो कि सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की है वो उसको चुकता करेंगे। बट लार्जली जो है 12,000 करोड़ रुपए के करीब जा रहा है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन 4G 5G के लिए करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज जो कि फेस कर रही है कंपनी, कंपटीशन फ्रॉम दी जो है पीयर्स से, और जो है सबसे जो कम चीज देखते हैं, आरपू सबसे कम है इसकी, क्योंकि इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है और डिप्लीटिंग जो है सब्सक्राइबर बेस इनका दिखते जा रहा है। तो कंपनी में अगर आपको रखना है, और जो कि इंस्टीट्यूशंस बेट कर रहे हैं इसमें, बेट कर रहे हैं बेसिकली कि टर्न अराउंड हो जाएगी कंपनी, बट लेकिन शॉर्ट टर्म में एकदम नहीं रखें ध्यान, लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। और अगर आपके रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तभी आप लंबी अवधि में बने रहे, क्योंकि हम अभी बिजनेस पे टोटल बेट कर रहे हैं कि बिजनेस टर्न अराउंड हो जाएगा, और डिस्पाइट कि जो है पूरे सेक्टर में दो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं, काफी बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, उनसे लड़ने की बात है। तो वो चीज जो है रिमोट पॉसिबिलिटी ऐसी चीजों में होती है, तो अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तभी आप रहें, अदरवाइज प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह वोडा आइडिया पर। सभी फंडा एक्सपर्ट यही मान के चल रहे हैं कि अगर आपको वोडा आइडिया में नज़र रखनी है, निवेश करना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, बिजनेस अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आगे भी देखने को मिल सकता है। तो लंबी अवधि का अगर आपका नज़रिया है और रिस्क एपेटाइट अच्छा है, जोखिम आप उठा सकते हैं, तभी स्टॉक में निवेश करें।